हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक एग्जाम आईक्यू। क्रैक एग्जाम आईक्यू में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एनबी सीरीज का पार्ट 25, जिसमें हम डिस्कस करेंगे करेंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके के टॉप 25 एमसीक्यूज, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल रहेंगे। दोस्तों, यह वीडियो आपके अनुल एग्जाम्स जैसे एनबी जूनियर स्टेंट, एनबी सीनियर स्टेंट, एनबी स्टेनोग्राफर, एनटीए डी रिक्रूटमेंट और बाकी सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। इस वीडियो का फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन स्वॉर्न इन एज द न्यू मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के नए मंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? इसका आंसर है पशुपति कुमार पारस। नेक्स्ट, गांधी जी कंसिडर्ड खादी एज अ सिंबल ऑफ। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? इसका करेक्ट आंसर है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, आर्थिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट, हु हैज टेकन चार्ज एज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट कोल एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट माइंस। कोयला राज्य मंत्री और खान राज्य मंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इसका करेक्ट आंसर है दनवे राव साहेब दादा राव। नेक्स्ट, विच मूवी हैज एडेड टू द नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया? इसका करेक्ट आंसर है पीके। अगला प्रश्न देखिए, जायंट पांडाज आर नेटिव टू विच कंट्री? विशालकाय पांडा किस देश के मूल निवासी हैं? इसका सही उत्तर है चाइना। जायंट पांडा चाइना में पाए जाते हैं। चाइना का कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी। थाईलैंड का कैपिटल है बैंकॉक, करेंसी है बात। जापान का कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन। साउथ कोरिया कैपिटल है सियोल, करेंसी है वोन। नेक्स्ट, इन बजट सेशन 2021 हाउ मैनी न्यू फिशिंग हब इज डिसाइडेड टू बी ओपेंड सून? बजट सत्र 2021 में कितने नए फिशिंग हब को शीघ्र खोलने का निर्णय लिया गया है? इसका सही उत्तर है पाँच नए फिशिंग हब खोलने का निर्णय लिया गया था बजट सेशन 2021 में। नेक्स्ट, क्रिस गेल बिकेम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर हाउ मैनी थाउजेंड रन्स इन T20 क्रिकेट? क्रिस गेल T20 क्रिकेट में कितने हज़ार रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं? इसका सही उत्तर है 14,000 रन्स। T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले पहले बैट्समैन क्रिस गेल बने। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स? निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील कर का एक उदाहरण है? इसका सही उत्तर है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट पीक? निम्नलिखित में से कौन सबसे उच्चतम चोटी है? इसका करेक्ट आंसर है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत सबसे उच्चतम चोटी है। अगला प्रश्न, मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज फेमस फॉर व्हाट? मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर है बिसन। मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य बिसन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे बाकी लोग भी जुड़ सकें। नेक्स्ट, सरगासो सी इज लोकेटेड इन? सरगासो शहर किस महाद्वीप में, किस महासागर में स्थित है? इसका आंसर है अटलांटिक ओशन। सरगासो सागर अटलांटिक ओशन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड ऋग्वेदिक आर्यंस लिव इन इंडिया? ऋग्वेदिक आर्य भारत में कहाँ रहते थे? इसका करेक्ट आंसर है सप्त सिंधु एरिया। ऋग्वेदिक आर्य भारत में सप्त सिंधु क्षेत्र में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड इमोजी डे इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन विच डेट? विश्व इमोजी दिवस
दुनिया भर में किस तारीख को मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 17 जुलाई। वर्ल्ड इमोजी डे 17 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू? उष्मीय मान की इकाई क्या है? इसका सही उत्तर है किलो जूल पर केजी। उष्मीय मान मीन्स कैलोरीफिक वैल्यू का इकाई होती है किलो जूल पर केजी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर हीट रेडिएशन? निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बोलोमीटर। बोलोमीटर का प्रयोग ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हु वॉन द बार्सिलोना ओपन चेस टूर्नामेंट टाइटिल इन बार्सिलोना? बार्सिलोना में ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? इसका करेक्ट आंसर है एसपी सेतुरमन। बार्सिलोना ओपन चेस टूर्नामेंट का खिताब एसपी सेतुरमन ने जीता। नेक्स्ट, विच सिटी इज एट द बॉटम ऑफ द 2021 सेफ सिटीज इंडेक्स पब्लिश्ड बाय द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित 2021 सेफ सिटीज इंडेक्स में सबसे नीचे कौन सा शहर है? इसका करेक्ट आंसर है यंगून। अगला प्रश्न, हु इज नेम्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सैमसंग इंडिया? सैमसंग इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर रूप में किसे नामित किया गया? इसका सही उत्तर है आलिया भट्ट। सैमसंग इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आलिया भट्ट को नामित किया गया। अगला प्रश्न देखिए, विंडहोक इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? विंडहोक किस देश की राजधानी है? इसका आंसर है नामीबिया। विंडहोक नामीबिया की कैपिटल है। अगला प्रश्न, रोसेऊ इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? रोसेऊ किस देश की राजधानी है? इसका करेक्ट आंसर है डोमिनिका। रोसेऊ डोमिनिका की कैपिटल है। नेक्स्ट, विच कंट्रीज हैव नाउ बीन एडेड टू आईसीसी एज इट्स न्यू मेंबर्स? कौन से देश अब आईसीसी के नए सदस्यों के रूप में शामिल हो गए हैं? इसका करेक्ट आंसर है मंगोलिया, तजिकिस्तान एंड स्विट्जरलैंड। ये तीनों देश आईसीसी में शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट, शिवाजी बनर्जी बिलोंग्स टू व्हिच स्पोर्ट? शिवाजी बनर्जी किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर है फुटबॉल। शिवाजी बनर्जी फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द स्पार्क्सन ट्रॉफी एट डॉर्टमुंड? डॉर्टमुंड में स्पार्क्सन ट्रॉफी किसने जीती? इसका सही उत्तर है विश्वनाथन आनंद ने। डॉर्टमुंड में स्पार्क्सन ट्रॉफी विश्वनाथन आनंद ने जीता है। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत की रैंक क्या है? इसका सही उत्तर है 5th रैंक। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इंडिया की रैंक है 5th। नेक्स्ट, लोथियन आइलैंड इज सिचुएटेड इन व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? लोथियन द्वीप भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है वेस्ट बंगाल। लोथियन आइलैंड वेस्ट बंगाल में स्थित है। वेस्ट बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, गवर्नर है जगदीप धनखड़। बिहार के सीएम है नीतीश कुमार, गवर्नर है फागु चौहान। यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश का सीएम है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। नेक्स्ट दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे बाकी लोगों को भी बेनिफिट मिल सके, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो का फ्री वीडियो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।